नमस्कार दोस्तों, आइए आज मैं आपको अपना जर्नी ऑफ सक्सेस है इस पर लेके चलूं और इस जर्नी ऑफ सक्सेस को कैसे लागू किया मैंने अपने आप पर, कैसे इसको आगे लागू किया जा सकता है और किस तरह से बेहतरीन रिजल्ट लिए जा सकते हैं उसके बारे में ये वीडियो है। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह, लाइफस्टाइल मेंटर, और आज मैं आपको जर्नी ऑफ सक्सेस जो है उसका स्टेप टू स्टेप प्रोसेस बता रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो आप में अपने आप में आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप कोई भी काम अगर करते हैं तो उसका जज्बा आप में खुद में हो। जब आपका विश्वास, आपका मन, आपका पैशन कहे कि हाँ इस आइडिया पे काम कर सकते हैं, तो एक आपके पास में एक ड्रीम होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए। ये जब दोनों मिलते हैं तो आपको वो एफर्ट्स करने के लिए एक फायरऑन देते हैं। जब आपके एफर्ट्स जो हैं वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू काम करने पर रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके लिए मैंने एक दूसरे वीडियो में पहले से एक फॉर्मूला दिया था, D4। D4 क्या है? फर्स्ट 10% टाइम आपको अपना देना है ड्रीमिंग ऑफ योर कंप्लीट प्रोजेक्ट। बाद का नंबर दो पे आपको 30% अपना समय देना है डूइंग एफर्ट्स फॉर द सेम प्रोजेक्ट, उसी के लिए आपको जो एफर्ट्स करने हैं उसके लिए। बाद का 30% समय आपको देना है डूइंग पर्सनल डेवलपमेंट, यानी डेवलपिंग योर सेल्फ, अपने आप को बदलना, अपने में परिवर्तन लाना। और जो लास्ट वाला 30% है वो जो आपने ये 70% काम किया है इसको डिटेल करना, बताना और शेयर करना। ये सक्सेस का बेसिक फॉर्मूला है, हर जगह यही काम करता है। आप इस चीज को अगर फॉलो करेंगे तो आप भी इसमें आगे रिजल्ट ले लेंगे। चलिए, सबसे पहले हम एक कैसे एक एक्शन टेकर बने। ध्यान रखिए, जब भी कोई आइडिया आता है तो उसमें बहुत सारे थॉट्स आते हैं। मान लीजिए मेरे को आइडिया आया कि मुझे द रेजुनाइन कंपनी है उसको ज्वाइन करना है, तो इस आइडिया के साथ साथ पहले मैंने देखने जानने की कोशिश की कि इस आइडिया की परिपक्वता कितनी है, ये मेच्योर कितना है, इसका भविष्य क्या है। तो जब मैंने हर जगह रिसर्च किया तो पाया कि ये आइडिया बहुत स्ट्रांग है, नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत अच्छा बेस है। फिर मैंने सबसे पहले एक कंपनी सेलेक्ट की, क्योंकि जब मैंने अपने आइडिया को चेक किया तो उसमें आया कि आप अच्छी कंपनी सेलेक्ट करिए। जब मैंने अच्छी कंपनी सेलेक्ट की तो वहाँ मुझे फिर एक आगे नीचे रिस्पांस आया कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होनी चाहिए जिसके अंदर आपका प्रोडक्ट बार बार बिके भी और अच्छा भी हो, रिजल्ट भी आए उसके। तो वहाँ मुझे D9 बिल्कुल सेटिस्फाइंग लगी। फिर आपको करना चाहिए कंपनी का स्टेटस और पॉलिसी वेरीफाई करनी चाहिए। तो इसके लिए मैं फिजिकली कंपनी के ऑफिस में गया, दिल्ली ऑफिस देखने गया, वहाँ सारी चीज़ों को देखा, समझा, बहुत सारी चीज़ों की प्रोग्रेस होते हुए देखा। नए इनके ऑडिटोरियम, नए मीटिंग हॉल्स बन रहे थे, शानदार शॉपिंग डिज़ाइन हो रही थी, वहाँ प्रोडक्ट थे, सब कुछ था, सारा सेटअप था। तो मुझे वहाँ उसको फिर वेरीफाई हो गया कि हाँ ये है हकीकत में, ये चल रही है। देन आई वॉन्टेड टू मीट द मैनेजमेंट टीम कि उनकी अप्रोच क्या है। हम उसको ज्वाइन कर रहे हैं एक कंपनी को, अगर हम अपना सर्विस देने के लिए तैयार है तो कंपनी हमारे लिए क्या सोचती है। तो उसमें भी मुझे बहुत शानदार लगा, जो हमारे फाउंडर डायरेक्टर हैं नितंजय डागर साहब, उनसे मिला, उनका गजब का प्रोडक्ट नॉलेज है, बहुत बेबाक होके चीज़ों के बारे में अपनी राय रखते हैं और हर चीज़ को प्रैक्टिकली लेके चलते हैं। वो आपको किसी ख्वाबों की दुनिया में नहीं लेके चलते, सटीक आपको जवाब देते हैं। हो सकता है उनकी कुछ बातें किसी को एकदम से अखर जाए, लेकिन सटीक होती हैं। कोई गोलमोल लुभावनी, लोक लुभावनी स्कीम वगैरह के बारे में वो बात नहीं करते, वो बिल्कुल तार्किक बात करते हैं। फिर मैं संदीप डागर साहब, जो इसी कंपनी के MD हैं, उनसे मिला। उनका सरल स्वभाव, शांत जो नेचर है वो, और एक नए आए हुए प्रोस्पेक्ट को पूरा टाइम देना, उससे बात करना और उसको उस दिन भी अपने बिजनेस प्लान को समझाना, अपने थॉट प्रोसेस को बताना। अमूमन ऐसा नहीं देखा जाता है, MDs के पास टाइम ही नहीं होता, या वो इतने हाई प्रोफाइल होते हैं कि आपका ही कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है कि आप उनसे मिल भी पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। ये दोनों चीज़ों ने मुझे बहुत स्ट्रांगली इस कंपनी से कनेक्ट करने के लिए मुझे बाध्य किया। फिर मुझे D9 का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसमें समझने में आसानी मिली, क्योंकि मुझे तीनों चारों जगह से रिस्पांस मिलने के बाद में, जो मेरे अपलाइन थे अनूप सिंह जी, उन्होंने मुझे गाइड किया कि इस कंपनी में काम करने का तरीका क्या है दोस्त। फिर उन्होंने पूरे फाइनेंशियल आस्पेक्ट बताए, और उन्होंने पहले दिन ये बिल्कुल नहीं बताया कि आप ऐसा करके इतना कमा लोगे। पहले दिन उन्होंने मुझे जो सिस्टम चल रहा था उसको बताया, और दोस्तों मैंने आधे घंटे में डिसीजन लिया और मैंने तुरंत कंपनी को ज्वाइन कर लिया। उस दिन मैंने एक अच्छी सारी परचेज करी। वो परचेज क्यों करी? क्योंकि वहाँ मैं एक्शन लेने की कंडीशन में आ गया था और मैंने एक्शन ले लिया।
आपको भी अपने निजी जीवन में ऐसे ही एक्शन लेना है। अगली स्लाइड में जब आप स्टार्ट करते हो, सबसे पहले तो देखिए आपको किसी भी, क्योंकि आपको आइडियाज आने लगते हैं, आप फायर ऑफ हो गए हो, आपके न्यूरॉन्स काम करने लग गए हैं, आपके ब्रेन में एक से क्रिएटिविटी आएगी। ऐसे में आप अपनी अपलाइन से स्ट्रांगली कनेक्ट हो जाइए। जो वो आपको मीटिंग्स देते हैं, सेमिनार्स देते हैं, प्रोडक्ट ब्रोशर देते हैं, उनको चेक करिए, प्रोडक्ट्स को समझिए। देखिए 148 से लेकर 150 प्रोडक्ट्स ऊपर आज कंपनी की रेंज है। आज आप एक दिन में एक साथ सारे प्रोडक्ट नहीं देख पाएंगे, समझ पाएंगे, ना उनकी USPs याद रहेंगे आपको। तो आपको धीरे धीरे प्रोडक्ट को यूज़ करना है, और वो प्रोडक्ट सबसे पहले यूज़ करने हैं जो या तो कंपनी के USP है या आपकी नीड है। साथ में साथ आप कंपनी का जो कॉन्सेप्ट ले रहे हैं उसको उठते बैठते सोते जागते सारे समय अपने दिमाग में रखिए। अगर आपके वो बोलचाल में नहीं आया, अगर आपकी भाषा में नहीं आया, आपके व्यवहार में नहीं आया, तो आप किसी भी कंपनी में सक्सेस नहीं हो सकते। पर दारुजनैन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर है, किसी को भी हमको बेवकूफ़ बना करके, किसी को भी फेक प्रॉमिस करके हमारे प्रोडक्ट को नहीं बेचना है। तो ये ध्यान रखें, जब भी आप कोई वादा कर रहे हैं किसी से, तो आप तहकीकात करिए कि वो वादा प्रोडक्ट क्वालिटी पे है या एक ख्वाबी पुलाव है। चलिए इसे आगे चलते हैं। इन सब के लिए आपको, इस धारा को पकड़ने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, आपको इस कंपनी में ऑलरेडी अवेलेबल वीडियोस, लाइव सेशंस को देखना पड़ेगा। क्योंकि आप जो थ्योरी लेके कहीं पे घुसते हैं, वो थ्योरी कंपनी की थ्योरी नहीं होती है। आपकी थ्योरी अलग है, कंपनी की थ्योरी अलग है। तो अगर आपको सक्सेस होना है तो कंपनी की थ्योरी को लेकर के आपको अपना बेस बनाना है, फिर उसको आप अपने तरीके से, अपने स्टेट में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने टीम के साथ काम कर सकते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं अभी आपको बताऊं, जो मैंने जितने ऊपर के पॉइंट बताए हैं उसको फॉलो करिए। जब आप एक अच्छे लर्नर बनेंगे तभी आप अच्छे स्पीकर बनेंगे। कंटेंट पहले अंदर जाएगा तभी कंटेंट बाहर आएगा। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आप ज्ञानी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप मात खा जाएंगे। इसलिए स्टार्ट करने के लिए पहले आपको अच्छा लर्नर बनना पड़ेगा। तीसरी स्लाइड जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं दोस्तों, वो है कि आप जब किसी काम पे करते हो, जैसे आपको बता दिया, कंपनी पता लग गई, सब कुछ, आप ट्रस्ट कैसे करेंगे? ट्रस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मैंने कहा बिलीफ होना अलग चीज़ है, ट्रस्ट होना अलग चीज़ है। आपने एक बिलीफ था, उसको आप लेके यहाँ तक आए, अब आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले कंपनी का प्रोडक्ट है, या जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है, या जो प्रोडक्ट आपकी सैंपल मिला है आपको, वो आपकी नीड को पूरा करता है क्या, यानी आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन देता है, तो यूज़ कीजिए उसको, परचेज करिए। परचेज करने के बगैर कभी भी फ्री का जो माल होगा वो कभी भी आपको रिजल्ट दे भी रहा होगा तो आपको फील नहीं होगा। परचेज कीजिए, फ्री की आदत को बाहर निकालिए अपने दिमाग। आप ये दिमाग से सोच निकालिए कि आपका अपलाइन आपको प्रोडक्ट देगा तभी आप ट्राई करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट कॉस्टली होते हैं। प्रोडक्ट अपनी जेब से पैसा लगा के अपलाइन आपको एक सैंपल दे देगा, दो दे देगा, लेकिन ज्यादा नहीं दे पाएगा, और इतने छोटे सैंपल भी नहीं है कि वो कॉस्ट इफेक्टिविटी आ पाए। तो आप परचेज करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 200-400 रुपए आप अगर एक बार खरीद भी लेते हैं तो आप अपने कोई भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस में रोज खर्च करते हैं उसमें से निकल जाएगा। फिर उसके बाद में आप ऑब्जर्वेंट बनिए, उस प्रोडक्ट को यूज़ करिए और ऑब्जर्व करिए कि आपको क्या रिजल्ट मिले। इस प्रोसेस में अगर आपको कोई रिजल्ट मिलने में दिक्कत आ रही है तो हेल्प लीजिए, और अगर अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं तो उसको आप क्या करिए, फीडबैक दीजिए। जब ये पूरा आप करते हैं तो यहाँ पर आप कंज्यूमर बन गए हैं, आपने प्रोडक्ट कंज्यूम कर लिया है, आपका ट्रस्ट बन गया है, और अब इस प्रोसेस को आप आगे शेयर कर सकते हैं। जैसे आप इस प्रोसेस को आगे शेयर करते हैं दोस्तों, मैं आपको बताऊं आपकी सेकंड थ्योरी काम करती है। वो काम करती है कि अब मैं यहाँ से बिजनेस कैसे स्टार्ट करूँ। कंज्यूमर तो बन गया मैं, मेरे को पता भी लग गया, अब आप यहाँ से रिटेलर बनिए। पहले गलती यहाँ पर मैक्सिमम लोग यही करते हैं, सीधा मेंबर बनाते हैं और धड़ाधड़ अपना माल बेचना शुरू कर देते हैं। जी नहीं, ये माल बेचने वाली कंसेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट वाली कंपनी है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट देना है आगे लोगों। कॉन्सेप्ट कैसे है? सबसे पहले तो आपने क्योंकि प्रोडक्ट यूज़ किया है तो आप अपने नेटवर्क में अपना रिस्पॉन्स बताइए। फिर जो आपने बेनिफिट्स मिले हैं उनको प्रॉपर वे में ऑर्गेनिक रिजल्ट्स के साथ में जस्टिफाई करिए कि मैंने GIT-14 लिया या मैंने Targ9 के ये प्रोडक्ट कंज्यूम किया और मुझे ये बेनिफिट मिला। फिर आप जिस प्रोस्पेक्ट के पास आप जा रहे हैं, रिटेल करने जा रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करिए, बात करिए, पता करिए उनके पास में हमारे प्रोडक्ट्स का क्या सॉल्यूशन उनको बेस्ट मिल सकता है, हम उनको अपने प्रोडक्ट को कैसे सॉल्यूशन के रूप में दे सकते हैं। ऐसा भारतीय परिवारों में ऐसा देखा है कि अमूमन हमारे से 4 से 5 प्रोडक्ट की गुंजाइश होती है। अब आप अपने प्रोस्पेक्ट को जानिए, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस कैसी है, उसके हिसाब से उसको प्रोस्पेक्ट को एक बार आप रिटेल करिए। अब रिटेल करने के तरीके आपको पता होने चाहिए,
आप किस डीपी प्राइस पे करना चाहते हैं, एमआरपी पे करना चाहते हैं, या आपको कॉस्ट सारी उस पर करना चाहते हैं, ये आपकी व्यक्तिगत चॉइस है। आप यहाँ करके रिटेलिंग करके भी मुनाफा कमा सकते हैं, यहीं से आपकी इनकम शुरू होती है। एज ए कंज्यूमर आपकी इनकम कभी शुरू नहीं होगी। ये धोखे में कभी नहीं जाइएगा कि मैंने प्रोडक्ट खरीद लिए और मुझे उसका कोई बेनिफिट मिल गया। इतना छोटा अमाउंट आएगा कि वो कभी भी आपको अट्रैक्ट नहीं करेगा, कभी भी आपको मोटिवेट नहीं करेगा। लेकिन जैसे आप रिटेलर बनेंगे, एक शेयर आपके पास आने लग जाएगा, जो कंपनी के फाइनेंशियल प्लान है उसमें भी आप देख सकते हैं। लेकिन जब आप कंज्यूमर होते हैं तो आप स्वयं के बेनिफिट के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उनको लेके दूसरे को बेचते हो तब आप रिटेलर बन जाते हो, तब आपको ज़्यादा फायदा। जब आप ये प्रोडक्ट देते हो तो इसका ये मतलब नहीं आप देके भूल जाइए। जो चॉइस के प्रोडक्ट देने के बाद में उस अपने प्रोस्पेक्ट से, अपने नेटवर्क से टच में रहिए, उनको कैसे यूज़ करना है उसके बारे में बताइए और क्या रिजल्ट आ रहा है वो पूछते रहिए। जब आप ये फीडबैक ले लेते हैं फिर आप आगे प्रोसीड करिए कि आपको उनका अपना अगला नेक्स्ट काम करना है, उनको एसोसिएट बनाना है। यहाँ से आप रिटेलर से एसोसिएट की तरफ मूव कर गए। चलिए, ये भी एक बहुत शानदार जर्नी है दोस्तों जिसके बारे में आपसे शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा, जब आपने बिजनेस प्लान देना है उसको, अब आपको समझाना है कि आखिर में बिजनेस कैसे होता है, तो आपको अपने स्टेप्स को प्रमोट करना है, आगे होके आपको बताना है। जो मैंने आपसे भी बताया कि आपको D4 के अंदर जो मैं अभी आपके साथ कर रहा हूँ, सेम आपको करना है, अपने स्टेप्स को आपको प्रमोट करना है। आपको अपनी टीम बनानी है जो इस सिस्टम को फॉलो करे। तो इस सिस्टम को फॉलो नहीं कर रही है, अपनी तरफ से कुछ भी घुसा रही है, अपनी तरफ से कुछ लेन देन कर रही है, अपनी तरफ से ही कुछ नए प्रोमिसेस कर रही है, अपनी तरफ से ही कोई कहानियां बना रही है, वो नहीं चलेगा। आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा जो ऑथेंटिकेटेड है, जो मेडिकेटेड है, जो प्रूवन है, उसको फॉलो करना है। आपको मीटिंगें लगातार लेनी है, वेबिनार्स लगातार लेने हैं, और आपको आगे भी मीटिंगें करनी है। लेकिन वो स्टेज तब आती है मीटिंग लेने वाली जब आप लीडर बनने की पोजीशन में आ जाते हैं। लीडर के पास क्या क्या होना चाहिए, कंज्यूमर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिटेलिंग का नॉलेज होना चाहिए, और फिर अपनी टीम को लीड करने के लिए आइडियाज़ और होमवर्क होना चाहिए। यानी अगर कोई मीटिंग करते हैं, कोई अगर हम वेबिनार करते हैं, कोई सेमिनार करते हैं, कोई जूम मीटिंग करते हैं, तो आपके पास में कंज्यूमर का एक्सपीरियंस, रिटेलर का बेनिफिट, आइडियाज़, और फिर आपकी पूरा नेटवर्क होना चाहिए। जब आप ये सब कर लेते हैं तो आपके नीचे एक अच्छी खासी टीम बन जाती है। उसको भी चेक करिए, आपकी डाउनलाइन का स्टेटस अपडेट करते रहिए। जैसे मंथ एंड है, क्लोजिंग करनी है, किसी में कुछ छूट रहा है, कोई स्कीम आ रही है, कोई ऑफर आ रहा है, वो सब बताना, कौन सा ऑफर छूट रहा है, कौन सा ऑफर ले सकते थे, क्या गड़बड़ है, कहाँ रह गया है, ये सब आपको ही करना है। और इस पूरी प्रोसेस में आपकी टीम में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मोटिवेशन लूज कर देंगे, जो अपना फोकस लूज कर देंगे, जो बाजार के आए हुए रिस्पॉन्स से डर जाएंगे और गिवअप करने का सोचेंगे। उनको आपको रिकनेक्ट करना है, रीलर्न करना है, गलत थॉट्स आए उनको अनलर्न करना है और उनको पॉजिटिवली आगे बढ़ाना है। यहाँ एक गलती बहुत सारे अप्लाइंस करती हैं, वो ये करती हैं कि वो फाइनेंशियली मोटिवेट करने की कोशिश करती हैं। फाइनेंशियली कभी भी मोटिवेट नहीं हो पाएंगे आप, क्योंकि फाइनेंस बहुत धीरे धीरे आएगा। क्योंकि इस नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज़ है, शुरू में पेन है, गेन कम है, बाद में गेन ज़्यादा है, पेन कम है। लेकिन ये शुरू जो है वो बिल्कुल उल्टा साइड का पिरामिड है, जो उसका ऊपर का पेन साइज बड़ा है, गेन साइज छोटा है। लेकिन धीरे धीरे ये गेन साइज बढ़ता जाता है, पेन साइज छोटा होता जाता है। मेरा मानना है दोस्तों, मेरे हिसाब से मैंने आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट नॉलेज, बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस और बेस्ट ऑफ बेस्ट थॉट देने की कोशिश की है। आप अपनी जी जान लगा दीजिए, अच्छा करने की कोशिश कीजिए। हर दिन नया है, हर दिन को आप अपनी क्लोजिंग मान के चलिए, हर दिन को आप ये लेके चलिए कि आज मैं जो काम करूँगा उसका बेनिफिट मुझे अगले 7 दिन बाद मिलेगा। हमारे पे आउट प्लान में भी यही चीज़ें बता रखी है। तो आप इन सब चीज़ों को काम करके एक बेहतरीन टीम बना सकते हैं, एक बेहतरीन टीम का हिस्सा बन सकते हैं। और इस सब में मेरा इतना सा मानना है, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सहयोग, आपने जो इतना टाइम तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन तभी मिलता है जब मुझे बहुत से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिलते हैं। कारण मैं उससे ये, बहुत से लोग कहते हैं कि सब मेंबर्स नहीं है, हम लोग, हम परिवार हैं, हम सदस्य हैं। एक दूसरे को खुशियों से पूछना, एक दूसरे को खुशियां बांटना हमारा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।